तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आई होप सब मजे में हो गए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टीवीज को लेकर। तो पहले आपने देखा होगा टीवी क्या होते थे, इतने लंबे लंबे होते थे, पीछे को इतनी बड़ी पूंछ होती थी। और अब जो टीवी है, स्मार्ट टीवी है, आपकी एलईडी है, वो इतने पतले होते हैं। तो यार काफ़ी कमाल की चीज़ आई है, मतलब इतनी बड़ी चीज़ को इतने छोटे चीज़ में समेट कर रख दिया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे केबल टीवी और इंटरनेट टीवी में कौन सा बेहतर होता है, मतलब इंटरनेट टीवी बेहतर होता है पता है हमें, तो कैसे बेहतर होता है, क्यों हमें इंटरनेट टीवी परचेज करना चाहिए केबल टीवी ना लेकर के, और क्या कुछ हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इस बारे में। तो अगर आप भी सोच रहे कोई टीवी वगैरह परचेज करने की, तो वीडियो जरूर से देखना और जानना कि इंटरनेट टीवी में क्या कुछ फ़ायदे आपको देखने ही मिलते हैं। और यार वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, तो वीडियो करना लाइक, शेयर करना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर, नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और जानते हैं क्या कुछ है इंटरनेट और केबल टीवी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज और लुक के बारे में। तो पहले जो टीवी थे वो बहुत बड़े होते थे, स्पेस ज़्यादा है, बिजली ज़्यादा यहाँ पर कंजप्शन करते थे और दिखने में इतने कूल नहीं लगते थे जितने कि आपके यहाँ पर इंटरनेट टीवी लगते हैं। और बात करें कुछ फीचर्स के बारे में, तो पहले जो टीवी था उसमें क्या था, केबल आपने लगा दिया, केबल का तार लगा दिया, या फिर आपके पास डीवीडी है उसका लगा दिया। तो आप सिर्फ अगर केबल पर हैं तो आप कंटेंट तो देख पाएंगे, अपनी मर्जी का नहीं देख पाएंगे, तो सामने दिखाया जा रहा वो देख पाएंगे और सिर्फ वही देख पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। या फिर आपका डीवीडी प्लेयर है उसके साथ में, तो आप डीवीडी चला के वो देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट टीवी है उसमें इतने ज़्यादा फीचर होते हैं, जैसे कि आपका ऐप स्टोर है यानी कि प्ले स्टोर होता है, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, MP3 सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर फोटो के देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हाँ फोटो व्यू की तरह आपने पूरी फैमिली बैठी है और अच्छी आपके पास बड़े टीवी है तो उसमें फोटो व्यू लगा दिया, आपने फोटो देख रहे हैं, पुरानी मेमोरी याद कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि आपको केबल टीवी में नहीं मिलते थे। और बात करें प्राइसिंग की, तो थोड़ी प्राइसिंग बढ़ी तो है लेकिन साथ में इतने ज़्यादा फायदे होते हैं और बिजली आपकी इतनी सेविंग हो जाती है कि प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर आ जाती है। अब बात करते हैं कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि साइज छोटा है तो आप उसको कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं आपको प्रॉपर रखना है, कैरी करने में दिक्कत होने वाली है कि हाँ भाई आज छत पे जाके देखने का मूड है तो छत पे लगा लीजिए, पूरा आपका सिनेमा हॉल बन जाएगा। साथ में जो केबल टीवी थे उनमें आप वो देखते थे जो आपको दिखाया जाता है, और उसमें आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पॉज प्ले नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो इंटरनेट टीवी है उसमें आप वो देखते हैं जो आपको देखना है, जो आपका मन है, और उसके साथ में कुछ ऐसे शोज होते हैं जो आपके चल रहे हैं, आपके पास अभी टाइम नहीं है लेकिन बाद में होगा, तो ऐसे में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं कि हाँ मुझे वो पार्ट दोबारा देखना है। तो ऐसे कुछ फ़ायदे आपको इसके लिए इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं व्यूअर एक्सपीरियंस की, यानी कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अब इसके साथ में आपको कनेक्ट करना होता है वाईफाई या फिर कोई भी आपका इंटरनेट कनेक्शन, और जो कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे में क्या है, आप इसमें काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिनमें कि आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है, 1080 तक आप आराम से देख सकते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है। तो उसके बाद कोई भी मतलब एकदम क्वालिटी जो है एकदम ऐसी आती है, बिल्कुल झकास मज़ा आ जाता है, जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके साथ इंटरनेट के साथ में कोई दिक्कत है तभी यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है उसमें आपको थोड़ा डाउनग्रेड देखने मिलेगा, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा है तो आपको जो क्वालिटी एकदम मज़ेदार मिलने वाली है। और जब हम कोई टीवी या फिर फोन उसमें कोई भी चीज़ देखते हैं तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है पूरा इंजॉय करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वालिटी है आपको केबल टीवी के मुकाबले इंटरनेट टीवी में काफ़ी अच्छी मिल जाती है और काफ़ी बेस्ट क्वालिटी रहती है, जो कि आपको मतलब व्यूअर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बनाती है। और इसी के साथ में जो साउंड है ना वो बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर आती है, और जब आपकी पिक्चर क्वालिटी होगी तो साउंड क्वालिटी भी एक मैटर करती है, तो साउंड क्वालिटी भी उसके साथ में आपको एकदम मज़ेदार मिलती है। अगर उसके बाद साथ आप 5.1 या 7.1 का जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उसमें तो आपको बिल्कुल होल जैसा मज़ा यहाँ पर आने वाला है। अब बात करते हैं अफोर्डेबल और कस्टमाइजेशन की। तो यहाँ पर आप जरूर से कहेंगे कि हाँ केबल टीवी अफोर्डेबल है क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन उसी के साथ में बात करूँ अगर इंटरनेट टीवी की, तो भाई वो जो है उसमें आपको बिग बहुत ही बिग जो डिस्प्ले होते हैं उसका मज़ा देखने को मिल जाता है। साथ में बात करें कस्टमाइजेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें आप अपने जो मन है आपका वो देख सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती दिखाया है उसको देखना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनने सॉन्ग सुन सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आपको लग रहा है कि मुझे ये शो देखना है वो शो देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको इसमें उस चीज़ के लिए पे करना है जो आप देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है केबल टीवी में आपको सभी चीज़ों के लिए पे करना होता है। अगर आप मैंने उसमें कोई कनेक्शन लिया कोई पैक लिया तो उसमें भाई हिंदी के साथ साथ मुझे इंग्लिश तेलुगू और लैंग्वेज के पैक मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़राब यहाँ पर बात होती है, भाई मुझे नहीं चाहिए मैं क्यों पे करूँ उनके लिए, लेकिन मैं पे करता हूँ फिर देखो मत देखो। लेकिन इंटरनेट टीवी में आपको उस चीज़ के लिए पे करना है जो एक्चुअल में आप देखना चाहते हैं। सपोज मुझे एक अमेजोन प्राइम देखना है या फिर डिजनी प्लस हॉटस्टार देखना है, तो मुझे उनको जो शो है काफ़ी पसंद है तो सिर्फ उनका पैक लेना है और बाकी के पैक नहीं लेने, और सिर्फ उसमें जो चीज़ें वो देख पाऊँगा जो कि
मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है मुझे तीन चार चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी जी, फिर चाहे मैं एक ही यहाँ पर ट्रिपल प्लेटफॉर्म देखता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं केबल इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट की। तो जो आपका केबल टीवी होता है उसमें क्या होता है, आपको केबल इंस्टॉल कराना पड़ता है। अब जब आपको पता है हैवी रेन होती है या काफ़ी बादल होते हैं तो केबल जो है दिक्कत करता है, तो उसके लिए अब तो पहले होता था मतलब एंटीना घुमाया जाता था, तब तो वो नहीं करना होता है आपको। अगर थोड़ी दिक्कत आ रही तो अपने केबल प्रोवाइडर के पास कॉल करनी है। वहीं इंटरनेट टीवी की बात करें तो सबसे पहले तो वायरलेस फ्री होता है, तो उसमें आपको कोई भी वायर नहीं देना है, आप उसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल। और उसमें कोई भी सिर्फ एक आपका पावर का वायर होगा, उसके अलावा कोई भी वायर आप वायर फ्री रहने वाले हैं, काफ़ी मज़ा यहाँ पर आता है। उसी के साथ में आप जब मन करे उसमें अपनी जो पेन ड्राइव होती है उसमें कोई भी इंटरनेट डाउनलोड करके मूवी या फिर शो वो प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। और इसी के साथ में जब आपके मतलब हैवी रेन होती है या फिर बादल होते हैं तो अगर आपका इंटरनेट इफेक्ट हुआ है तो कुछ दिक्कत होगी, वरना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। जो कि वो यहाँ पर जो वायर्ड इंटरनेट यहाँ पर लगने लगा है, तो जैसे कि हमारे यहाँ आ गया BSNL, Airtel, तो इनमें ऐसे टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती, हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको वो भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो आप आराम से कितने भी बादल हो रहे हो, कितने भी रेन हो रही हो, आप जो इन्जॉय कर पाएंगे अपने शोज का, अपनी मूवीज़ का। अब बात करते हैं वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहने के बारे में। तो जो केबल टीवी होता है इसमें क्या है, आपको अपने इंडिया से रिलेटेड सब चीज़ें मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती है, न्यूज़ मिलती रहेगी, या फिर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फिर अलग से पैक चाहिए, फिर BBC वाला, इंग्लिश वाला, वो पंगा होगा, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं देख सकते। लेकिन इंटरनेट टीवी में ही आपको काफ़ी सारे फायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको क्या है, आपको वर्ल्ड वाइड जो खबर रखने की आदत है या शौक है, भाई शौक होते हैं अपने अपने, तो ऐसे में आप उससे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट रह सकते हैं, जान सकते हैं किस देश में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाने वाली हैं। उसी के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इंटरनेट से चीज़ों को डाउनलोड करके वो प्ले कर सकते हैं अपने इंटरनेट टीवी पर, और बड़ी पिक्चर रहती है तो बड़ा मज़ा यहाँ पर आ जाता है। बात करते हैं योर प्रेफरेंस के बारे में। ये क्या होता है, ये होता है जब आप केबल टीवी चला रहे हैं तो उसमें क्या है, अगर आप कोई चीज़ रेगुलरली देखना पसंद कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई जाएगी कि हाँ अगर आप कोई शो पसंद करें तो उससे रिलेटेड आपको बाकी अदर शो दिखाया जाए, आपको वही दिखाते रहेंगे जो उनकी मर्जी होगी। लेकिन इंटरनेट टीवी में क्या होता है, अगर आपने सपोज़ कोई कॉमेडी शो पसंद कर रहे हैं और कंटिन्यूस देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उससे रिलेटेड ही आपको दिखाया जाएगा, यानी कि आपकी चॉइस, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आपको सजेशन किया जाएगा कि आप ये चीज़ देखिए। तो अगर आप बहुत ही अच्छे मतलब फैक्ट वाली वीडियो देखना पसंद करें तो आपको फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं कंटिन्यूसली। या फिर आप अगर कोई साइंस रिलेटेड या फिर कॉमेडी रिलेटेड देखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी, तो आपकी पसंद का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और आपके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर शो कराई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पसंद की चीज़ें आप पर थोपी जाती है। तो यही कुछ फ़ायदे होते हैं इंटरनेट टीवी में। और भाई आने वाला ज़माना जो मॉडर्न है और कहीं ना कहीं टीवी की जो ज़रूरत होती है घर में, बेशक सबके पास फ़ोन हो, फ़ोन में क्या होता है कि एक बंदा अपने फ़ोन को सिर्फ एक या दो देख सकते हैं, उसमें अपना मजा ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट टीवी में क्या होता है, उसमें क्या पूरी फैमिली साथ में बैठकर जो शो है उसको एंजॉय कर सकती है। तो टीवीज़ का ज़माना ऐसा नहीं है चला गया, बस ये है थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है घर में टीवी की कि भाई होना चाहिए। तो बस दोस्तों यही थे कुछ पॉइंट जो कि इंटरनेट टीवी को बेहतर बनाते हैं आपके केबल टीवी या ओल्ड टीवी जो होते थे उनसे। तो आई होप आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो कि टीवी वगैरह परचेज करने की सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई पैसे बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च करें, मज़ा ज़्यादा लीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को ना सब्सक्राइब, मैं मिलता हूं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।